जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राघव लंगर ने आज रेलवे स्टेशन जम्मू में भव्य लंगर का उद्घाटन किया। लंगर में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया है और लंगर में अमरनाथ यात्री बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लंगर के आयोजन को लेकर राघव लंगर ने पत्रकारों को भी अवगत करवाया। ये देखिए, जब से बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हुई है तभी से ही जम्मू वासी जो है, मैं समझता हूँ जम्मू सूबा पूरा जो है हमारा इतिहास रहा है कि श्रद्धालुओं को यात्रा पे जो आ रहे हैं हमारे भक्तजन, सबके लिए सुख सुविधाओं के लिए सरकार के साथ साथ जितने भी हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ हैं, सभी जो हैं वो बिल्कुल तन मन से अपना जो है यहाँ पर काम करती हैं और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा भव्य तौर पर जो है एक लंगर चलाया जा रहा है। साथ ही में लगभग 30 से भी अधिक स्थान है, केवल अगर मैं जम्मू शहर की बात करूँ, जहाँ पर धर्मशालाएँ, रहने की व्यवस्था और साथ साथ में विधिवत तरीके से लंगर चल रहा है। इसमें हमारा जो वेयर हाउस है, हमारे जो फ्रूट मंडी है, हमारे जितने भी व्यापारी गण हैं, जितने भी संगठन हैं, सोसाइटीज़ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सभी का जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन रहती है अपने अपने तरीके से। और इसमें आज आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो भीड़ लगी है, इसी चलते 30 से अधिक स्थानों पर ये लंगर की सुविधा चल रही है और ये मैं समझता हूँ जम्मू वासियों की श्रद्धा का एक प्रतीक है। और कई भक्तगण जो है, जो बताया जा रहा है, जो बाहर से भी आए हैं, वो भी यहाँ पर अपनी वॉलंटरी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सब जो है वो बाबा की कृपा है और यात्रा सुचारू रूप से भव्य तरीके से चल रही है और मैं समझ रहा हूँ आशीर्वाद बना रहे जम्मू सूबे में, पूरे इस यूनियन टेरिटरी में और साल दर साल इसी तरीके से अच्छा भव्य काम हम लोग सभी करते रहे। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.